हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज की रेसिपी बन रही है सुबह सुबह, इसलिए सबको गुड मॉर्निंग बोला है। तो इधर ये देखिए, मेरी ये जो लौकी की सब्जी बनाई है, बहुत ही कम मसालों के साथ बनाई है, बहुत ही टेस्टी और यमी बनी थी। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। लौकी वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है, इसे खाना भी चाहिए। आज हम इस सब्जी को बिल्कुल सिंपल से मसालों के साथ बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में पहले से तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी हींग, 1/4 चम्मच। हींग डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम कटा हुआ लहसुन, प्याज, और ये मैंने हरी मिर्च को भी दो इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया। घर में बच्चों के लिए एक है तीखी वाली मिर्च नहीं थी, अगर तीखी वाली मिर्च ले रहे हो तो आप इसे, अगर घर में बच्चे हैं तो नहीं डालें, क्योंकि बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं। इस वजह से मिर्ची को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिर्ची को सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले जब तक हमारे पक रहे हैं, सॉरी प्याज टमाटर हमारे जब तक पक रहे हैं, हम इसके लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। मसालों के लिए मैंने इस तरह से एक कटोरी ले ली। कटोरी के अंदर मैं डालूंगी 1.5 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, उसके साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर आधे चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च। लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग आप कमी ज़्यादा कर सकते हो। और आधे चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने डाली है हल्दी। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से फूल जाएँ। इधर हमारा ये प्याज टमाटर भी अच्छे से भुनकर तैयार हो गए। तो ये देखिए, प्याज भी हमारा हल्का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया है उसे डाल देंगे, और इसे थोड़ा सा डालने से पहले मिला लें, क्या क्या होता है कि हमारे मसाले नीचे बैठ जाते हैं। तो ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद हम, और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे मसाले अच्छे से तेल छोड़ना शुरू ना कर दे। तो इधर आप देख सकते हैं, हमारे मसालों ने अच्छे से तेल छोड़ना शुरू कर दिया, सारे मसाले अच्छे से पक गए। मसाले के तेल छोड़ने का मतलब होता है कि मसाले अच्छे से पक जाते हैं, उसके बाद ही वो अपना तेल छोड़ना शुरू कर देते हैं। इधर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए थे। देखिए, टमाटर को मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया था। टमाटर डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, क्योंकि जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाए, और इसे भी अच्छे से मिक्स करके और इसे ढक देंगे। और हमें टमाटर को तब तक पकाना जब तक कि हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो मैं इसे ढक देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट के बाद हम एक बार टमाटर को चेक कर लेते हैं। इधर आप देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। टमाटरों ने साइड में से भी अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया, टमाटर भी अच्छे से गल गए। अगर आपको लगता है कि टमाटर अच्छे से नहीं पके हैं, नहीं गले हैं, तो आप इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख दें, या फिर थोड़ा सा इन्हें चम्मच की सहायता से मैश कर दें। तो टमाटर भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो हमें लौकी काट के रखी है, वो लौकी को डाल देते हैं। मैंने लौकी को अच्छे से पहले काट के धो के रख दिया था, और मैंने लौकी के बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पीस नहीं किए, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के पीस किए हैं, जिस तरह की हम नॉर्मल घर में सब्जी के पीस करते हैं। आप बहुत ज़्यादा मोटे कर दोगे तो क्या है, सब्जी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आप ज़्यादा बारीक कर दोगे तो सब्जी बिल्कुल ही इसकी मैसी हो जाएगी। तो बिल्कुल मीडियम साइज के इसके हमने पीस कट किए, और इसे भी हम ढक देंगे। और देखते हैं, 3 से 4 मिनट के बाद हम सब्जी को फिर से मिक्स करेंगे एक बार। गैस को मैंने इस टाइम पे स्लो मीडियम रखा है। तो 3 से 4 मिनट के बाद मैं सब्जी को एक बार फिर से मिक्स कर देती हूँ, और उसके बाद मैं इसे ढक दूंगी, और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, या फिर ये बोल सकते हैं कि हमारी सब्जी अच्छे से गलने ना लग जाए। तो इसे आप स्लो मीडियम गैस पे इस तरह से ढक के पकाएं, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं किया। अगर आप सब्जी को पतली बनाना चाहते हो तो जिस टाइम पे हमने इसके अंदर लौकी डाली थी, उस टाइम पे इसके अंदर पानी भी डाल सकते हो। इधर ये देखिए, मैंने सब्जी को बीच में 3 से 4 बार चेक कर लिया था। तो अब मैं आपको सब्जी तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छे से गल गई है, बिल्कुल सारे आप देखिए बिल्कुल आसानी से टूट रही है। तो इस टाइम पे हमारी सब्जी को अच्छे से पककर तैयार हो गई है। तो अब लास्ट में इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डाल आप इस टाइम पे चाहें तो गरम मसाला भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने आपसे बोला था ना, मैं इसके अंदर कोई भी मसाले वगैरह ऐड नहीं करूँगी, बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ मैंने ये सब्जी को बनाया। तो यकीन मानिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी ये। इधर अब मैं इसे सर्व करने के लिए निकाल लेती हूँ धनिया डाल के, क्योंकि इसके पापा सुबह सुबह ड्यूटी जा रहे थे, उनके लिए नाश्ते के लिए सब्जी को अब निकाल लेते हैं। सब्जी को मैंने अच्छे से कर दिया मिक्स, लास्ट में थोड़ा सा और डाल दिया हरा धनिया, जिससे कि और भी ज़्यादा अच्छी लगे दिखने में। इधर मैंने सब्जी को सर्व करने के लिए निकाल लिया इनको, ये सुबह ऑफिस जा रहे थे तो फटाफट से इनके लिए नाश्ता दे दिया बना करके। तो आप देख सकते हो सब्जी हमारी कितनी टेस्टी बनी थी, बहुत मतलब दिखने में इतनी टेस्टी लग रही है तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। एक बार आप इसे बिल्कुल इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आपको सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। आपने देखा, हमने इसके अंदर कोई भी मसाले कुछ भी ऐड नहीं किया। इधर ये हो गया इनका लंच पैक। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो, आपको कैसे भी यूजफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। देखा आपने, हमने इसको कितने कम मसालों के साथ बनाकर तैयार किया। तो प्लीज़ इसलिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।